हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले सेंटेंसेस को देखते हैं। यह क्या तरीका है खाना पकाने का, यह क्या तरीका है बोलने का, यह क्या तरीका है मजाक करने का। ये सभी सेंटेंसेस गुस्से में बोले जाते हैं जब कोई बंदा कोई काम कर जाता है और आपको वो तरीका अच्छा नहीं लगा, तब आप लोग बोलते हैं ये क्या तरीका है बात करने का। और कभी कभी हम लोग सेंटेंसेस को ऐसे ही बोलते हैं, क्या यह तरीका है खाना पकाने का, क्या यह तरीका था उससे बात करने का। तो सेंटेंस ऐसे भी बोला जाता है। अब दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे व्हाट काइंड ऑफ अ वे। व्हाट काइंड ऑफ अ वे मीन्स ये क्या तरीका है, इज दिस मतलब ये। तो यहाँ पर इज दिस लगाने के बाद हम लोग लाएंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में कोई अदर वर्ड्स लिख देंगे। लिखते समय क्वेश्चन मार्क आएगा, भले हिंदी में मैंने क्वेश्चन मार्क्स नहीं डाले थे। कुछ कुछ सेंटेंसेस में आपको सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कुछ अलग भी दिख सकता है, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और ज़्यादा बेटर में समझ में आएंगे। अगर सेंटेंस पास्ट में बोलना हो तो इज के जगह वॉज का यूज करेंगे। गॉट इट। लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और दूसरे वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बाद में देखते हैं, दूसरे तरह के सेंटेंस को। तो आज का पहला सेंटेंस है, यह क्या तरीका है दूसरों से बात करने का। तो इस सेंटेंस के लिए आप बोलिएगा व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस टू टॉक टू अदर्स। व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस टू टॉक टू अदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, यह क्या तरीका है मजाक करने का। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस टू जोक। यहाँ पर हमारा जो वर्ब है जोक को हम लोग किड भी लगा सकते हैं। किड का मतलब ये होता है मजाक करना। व्हाट काइंड ऑफ अ वे इज दिस टू किड। नेक्स्ट सेंटेंस, यह क्या तरीका है काम करने का, इसको पास्ट करते हैं, यह क्या तरीका था काम करने का। तो इस सेंटेंस के लिए बोलिएगा व्हाट काइंड ऑफ अ वे वॉज दैट टू वर्क। व्हाट काइंड ऑफ अ वे वॉज दैट टू वर्क। अब यहाँ पर दैट आ जाएगा क्योंकि पास्ट की बात बोल रहे हैं, भले ही हिंदी में यह आ रहा है। अब दूसरे तरह के सेंटेंस को देखते हैं, क्या यह तरीका है खाना पकाने का। तो इस सेंटेंस के लिए आप कैसे बोलिएगा, तो इज को पहले बोलिए। इज दिस द वे टू कुक फूड। इज दिस द वे टू कुक फूड, सबसे पहले लगाइएगा इज दिस द वे, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स, जैसे कि आपने सेंटेंस को यहाँ पर देखा। एक दो सेंटेंस और देखते हैं, क्या यह तरीका है मजाक करने का। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इज दिस द वे टू किड। इज दिस द वे टू जोक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यह तरीका है या क्या यह कोई तरीका है काम करने का। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इज दिस द वे टू वर्क। इज दिस द वे टू वर्क, गुस्से में बोल रहे हैं, इज दिस द वे टू वर्क। गाइस, इससे जुड़े आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।